हेलो ऑल, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आपका स्वागत है मेरे चैनल एक्सपेडिशन 29 पर। इस चैनल पर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे जियोपॉलिटिक्स के बारे में, डिफेंस डेवलपमेंट्स क्या हैं इंडिया की, इंडिया के फ्रेंडली नेशंस की और एनिमी नेशंस की। सो आइए आज के टॉपिक पे प्रस्थान करते हैं। ये जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड टॉपिक है और हाल ही में हुआ है, और एक इंसिडेंट तो इसका कल ही हुआ है, जिसमें कल इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी ऐलान कर दिया है कि वो पाकिस्तान टूर पर नहीं जाने वाले हैं। तो आप जानते हैं 17 को न्यूजीलैंड ने ऐलान किया था कि वो भी नहीं जाएंगे, और इंग्लैंड ने कल ऐलान कर दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा ये दोनों चीज़ें लिंक्ड कैसे हैं, ये आपको आगे पता चलेगा वीडियो में। तो मेरे साथ वीडियो में आगे बने रहिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है कि लंका लगी बड़ी है पाकिस्तानियों की। यार आप बेसिकली खुद सोचिए, किसी भी कंट्री के लोगों को कितना बुरा लगेगा कि उनकी कंट्री के साथ ऐसा सलूक हो कि कोई छोड़कर टीम चली जाए एंड मोमेंट पर। सोचिए, बस खेलने के लिए वो तैयार ही थे और वो टीम छोड़कर चली गई, इनको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना। तो वैसा ही कुछ पाकिस्तानी फील कर रहे हैं इस समय पर, इनकी लंका लगी हुई है इस समय पर। और ये इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इन्फॉर्म किया था कल 9:09 पे, ये सितंबर 20 का इनका ट्वीट है। मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ तो ये कल की बात है। यहाँ पर उन्होंने कह दिया है कि हमने अक्टूबर ट्रिप से विड्रॉ कर लिया है। सो सिंपल सी बात है, अब पाकिस्तानी दोनों तरफ से जा चुके हैं, इंग्लैंड टूर भी गया, न्यूजीलैंड टूर भी गया। और क्यों गया? इसका एकमात्र रीज़न है टेररिज्म, और एंड तक यही रीज़न रहेगा। इसका कोई और रीज़न बन भी नहीं सकता कि आप इंडिया का नाम लगा दें, अमेरिका का नाम लगा दें, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम लगा दें। तो ये सब फालतू की बातें हैं, सिंपल सी बात है, आप टेररिज्म छोड़ दीजिए, आपके यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके ये कुछ पुराने क्रिकेटर्स हैं, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी और रमीज़ राजा भी हैं, और दूसरे पाकिस्तानी प्लेयर्स भी हैं। और बहुत ही बुरी तरीके से चिल्ला चिल्ला के रोए हैं कल ट्विटर पे, और 17 को भी ये बहुत रोए थे। इन दोनों को देख ली, जब न्यूजीलैंड ने 17 को टूर कैंसिल किया था तो इन लोगों ने क्या ट्वीट किए थे आप देखिए। शोएब अख्तर ने क्या लिखा था, न्यूजीलैंड जस्ट किल्ड पाकिस्तान क्रिकेट। भाई यहाँ पर तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि हिपोक्रेसी की भी यार एक सीमा होती है यार, उसको मत लांगा करो बस। भाई न्यूजीलैंड नहीं किल किया है पाकिस्तान की क्रिकेट को, टेररिज्म ने किल किया है, तो सिंपल सी बात है। अगले ट्वीट में देखो इसने क्या लिख रखा है, अगले ट्वीट में इसने लिख रखा है कि वी विल राइज फ्रॉम दिस एंड सून, घबराना नहीं है। अरे यार अब ये घबराना नहीं है से मुझे कुछ ऐसा याद आया है, मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें आगे, आप देखो एक बार और फिर मेरे से मिलो। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, हाँ तो देखा आपने, समझ गए ना, घबराना नहीं है आपने। वही इनका ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल हैंडल है, इन्होंने भी यही लिखा है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इनको इन्फॉर्म किया कि कोई सिक्योरिटी अलर्ट है, जो कि इन्होंने फिर यूनिलैटरली डिसाइड कर लिया जिसको पोस्टपोन करेंगे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ आप पढ़िए एक बार के, एक बार खुद देखिए उसमें क्या लिखा है कि इन्होंने पीसीबी एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मेड फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट। अब मैं इस पर हंसू, मतलब हंसना तो बनता है यार ऑब्वियसली, इतनी मतलब घटिया चीज़ लिखी है फुल प्रूफ। ये इनका ऑफिशियल्स मतलब पीसीबी का ये ऑफिशियल अकाउंट है और ये अभी भी वहीं पर है, आप खुद जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये मतलब कितने गधे लोग हैं यार, ये मतलब किसको बिठा रखा है इन लोगों ने यहाँ पर। और ये फोटो में आप देखो एक बार की, मतलब बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड मंगाई है यार, वो भी क्रिकेट पिच पे, वो लोग सर्च कर रहे हैं बॉम्ब्स के लिए। ऐसा कुछ तो भाई सिर्फ पाकिस्तान में देखने को मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। धन्य हो पाकिस्तान। ये हमारे बहुत ही फेमस डिफेंस एनालिस्ट है मेजर गौरव आर्या, ये बता रहे हैं कि न्यूजीलैंड हेराल्ड, जो कि न्यूजीलैंड का ही एक पोर्टल है, उसने ये बताया है कि पाकिस्तान का टूर जो है वो इसलिए कैंसिल हुआ है क्योंकि इंटेलिजेंस आई थी फाइव आइज से। अब देखिए आप पूछेंगे फाइव आइज क्या है, फाइव आइज अभी के लिए आप समझ लीजिए कि एक इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म, जो कि 5 कंट्रीज से मिलकर बनाए, जिनके नाम है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूनाइटेड किंगडम। और यहाँ वो लिख रहे हैं नीचे, एंड नॉट बिकॉज ऑफ इंडिया की साजिश। तो उन्होंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि काफ़ी सारे पाकिस्तानी, जैसे ये न्यूज़ आई न्यूजीलैंड वाली जैसी आई थी, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोट करना चालू कर दिया कि ये इंडिया की साजिश है, रॉ ने किया है ये वो, इसमें CIA का हाथ है, इसमें रॉ का हाथ है, बस यही रोना पिटना इन्होंने चालू कर दिया इनके लोगों ने। वहीं दूसरे ट्वीट में, राइट वाले ट्वीट में मेजर गौरव आर्या बता रहे हैं कि भाई थोड़ा ट्रोल कर रहे हैं वो पाकिस्तान मीडिया को, कि अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी मीडिया न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम इसलिए वहाँ से, उनके यहाँ से गई क्योंकि रॉ ने मोसाद के साथ मिल गया, मोसाद जो कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके साथ मिलकर कंस्पायर किया और उन दोनों ने मिलकर CIA को बताया, जो कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है, और फिर अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने गाइड किया MI6 को।
MI6 यूके की इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो मेजर गौरव आर्य ने इनकी बहुत तगड़ी ली है इसमें, और नीचे उन्होंने लिखा भी है कि हिंदी में समझाता हूँ, जॉन अब्राहम ने लेयर रास को बताया, उसने टॉम क्रूज को बताया, जिसने डैनियल क्रेग को बोला। ओके, समझ में आया? हैट्स ऑफ मेजर गौरव आर्य, आप बहुत तगड़े ट्रोल करते हो आप इन लोगों को। अब यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। 13th को पाकिस्तान की रावलपिंडी पुलिस डिवीजन ने एक थ्रेट एडवाइजरी जारी करी थी, जिसमें उन्होंने साफ साफ स्टेट किया था कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के ऊपर हमले की आशंका है। ये मैंने उसका ऑफिशियल स्क्रीनशॉट लगाया है, और नीचे मैंने उसी स्क्रीनशॉट में से जूम करके आपको दिखाने के लिए सिर्फ लगाया है कि उनके रावलपिंडी डिवीजन ने क्या बात बोली थी, कि यहाँ पर उन्होंने साफ बोला है कि स्पेशल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट थ्रेट एडवाइजरी रिगार्डिंग द टूर ऑफ न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम एंड चेलम ऑफ इमाम हुसैन। तो यहाँ पर इसको हम छोड़ दें, चेलम ऑफ इमाम हुसैन को, तो आप ऊपर का पढ़ें, रिगार्डिंग टूर ऑफ न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम डेटेड 13/9/2021। तो सिंपल सी बात है, बेसिकली पाकिस्तानी किस मुंह से कह रहे हैं कि ये इंडिया की साजिश है। भाई तुम्हारा खुद का रावलपिंडी पुलिस डिवीजन ये कह रहा है कि भाई उनके ऊपर हमला हो सकता है, और 17th को न्यूजीलैंड बैक ऑफ कर लेती है, इसमें इंडिया की साजिश कहाँ से आई? मोसाद कहाँ से आई? CIA कहाँ से आई? MI6, मतलब कोई क्यों ही तुम पे कंस्पायर करेगा यार? ये तो इन सारी एजेंसीज की खबर इतनी पक्की थी कि ये लोगों ने बैक ऑफ करने का ही सोचा और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स बच गए। अब तुम लोग तो इंडिया की साजिश कर रहे हो, अगर मान लो वो खेल लेते और टेररिस्ट अटैक हो जाता तो तुम लोग क्या बोलते? वही श्रीलंका वाला रोना तुमने, श्रीलंका पे भी जब अटैक हुआ था 12 गनमैन आ गए थे, क्या कर लिया था तुम लोगों ने? कुछ कर लिया था क्या? तुम्हारी ये फुल प्रूफ सिक्योरिटी कुछ कर पाई थी? नहीं। बस वही बात है, बस यहाँ पर बोल देने से इंडिया की साजिश है और ये नहीं हो जाता है। थोड़ा दिमाग लगाओ, आतंकवाद को ख़त्म करो, ये सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। वही मेरा कहना है कि आप तुम लोग आतंकवाद को ख़त्म कर दो, रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म छोड़ दो, मेन राह पर आओ, अपनी इकोनॉमी बढ़ाओ, सब कुछ सही करो, तब जाकर कुछ हो पाएगा। जब रावलपिंडी पुलिस डिवीजन खुद कह रही है कि आतंकी हमला हो सकता है, एक थ्रेट अलर्ट है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पे, जो कि 13/9/2021 का डेटेड है, तो यार अब आप खुद सोचो कि इंडिया की साजिश कैसे हुई? ये लोग कुछ भी कह सकते हैं यार, तो आप लोग इन चीज़ों पर बिल्कुल कभी विश्वास ना करें, और हम सारे प्रूफ लेके आपके सामने आते रहेंगे, ऐसे ही इनको एक्सपोज करते रहेंगे कि ये फिर कभी झूठ ना बोल पाए। और इसका एक सिंपल सा इलाज है, सिंपल सा इलाज ये है कि ये रेडिकल टेररिज्म को बंद कर दे। ये जो इनके यहाँ पर सारे टेररिस्ट को ये पनाह देते हैं अपने यहाँ पर, ये बिल्कुल सही नहीं है। यही चीज़ इनको आज भुगतनी पड़ी है, इनको इंटरनेशनल इनकी बेइज्जती हुई है, इनकी इकोनॉमी ख़त्म हो चुकी है, इनके पास कुछ नहीं बचा है, और ये फिर भी अभी भी उन टेररिस्ट को पनाह देना नहीं छोड़ रहे हैं। याद होगा कुछ टाइम पहले इमरान खान ने खुले में ये बोला था कि हमारे देश में 40,000 टेररिस्ट एक्टिव हैं। अब एक बात बताओ, एक एवरेज इंडियन बोल दे कि यार तुम लोगों के यहाँ तो टेररिस्ट रहते हैं, अब वो पाकिस्तानी गुस्सा हो जाएगा। क्यों भाई, क्यों हो रहा है तू गुस्सा? तेरा खुद का PM है, उसने बोला है कि भाई 40,000 टेररिस्ट एक्टिव हैं, तो हैं भाई एक्टिव। आप गूगल, तुम एक सिंपल गूगल सर्च करो और तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई हाँ सही में, उसने खुद बोला है, उसका खुद का स्टेटमेंट है। PM ऑफ पाकिस्तान इमरान खान का खुद का स्टेटमेंट है कि हमारे यहाँ 40,000 टेररिस्ट एक्टिव हैं। बेसिकली मैं इस वीडियो को एंड इसी नोट पे करूंगा, ये कोट के साथ में, कि इफ़ यू वांट टू स्टॉप टेररिज्म यू हैव टू स्टॉप बीइंग टेररिस्ट एंड ऑल्सो स्टॉप सपोर्टिंग टेररिज्म। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और हाँ अगर कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब कर रखा है सबको यार दिल से शुक्रिया है, और जो लोग अभी करेंगे वो बिल्कुल आराम से कर लेना, कोई जल्दी नहीं है, पहले कॉन्टेंट देखो और फिर उसके बाद सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।